दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के बीच सनातन ग्रंथ और कथा महाभारत को लेकर चर्चा होती ही रहती है। और जिस तरह से इसका वर्णन मिलता है, ये कहानी अब तक की सबसे अविश्वसनीय कहानी मानी जाती है। कहते हैं कि महाभारत सनातन धर्म के एक मुख्य स्तंभ के रूप में माना जाता है, और तो और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। हमारे हिंदू धर्म में इस बात की मान्यता है कि महाभारत में जिन भी घटनाओं के बारे में बताया गया है, ये सभी घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं। पर दोस्तों, हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इन सभी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कहानी को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बनाना क्या पॉसिबल है? वैसे आपको क्या लगता है, महाभारत में घटी घटनाएं सच है या फिर काल्पनिक? वैसे अगर आपका जवाब ना है तो आज आप अपना कीमती 10 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपका पूरा का पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर महाभारत सत्य है या फिर काल्पनिक। नंबर 5, भगवद गीता। भगवद गीता खुद महाभारत होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये हिंदू धर्म में सबसे अहम ग्रंथ होता है। वैसे क्या आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब अगर आपने कभी ये भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसके श्लोक वगैरह तो जरूर सुने होंगे। क्या आपको उन श्लोक को पढ़कर या सुनकर ऐसा महसूस होता है कि इस ग्रंथ को कोई आम इंसान लिख सकता है? ये बात तो आपको पता ही होगी कि गीता में लिखे जितने भी वचन हैं, वो सारे वचन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के वक्त बताए थे। अब आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर गीता आज इस दुनिया में है तो एक समय में इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण भी रहे होंगे, और अगर भगवान कृष्ण थे तो अर्जुन भी थे, और अगर अर्जुन भी थे तो यकीन मानिए महाभारत का युद्ध भी हुआ था। ये कोई काल्पनिक घटना है ही नहीं। वैसे आपने बात सुनी होगी कृष्ण जी की द्वारिका जलमग्न हो गई थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी फिलहाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च चल रही है और उनकी माने तो उन्हें गुजरात के पास मौजूद एक समंदर के नीचे एक शहर मिला है। कहा जा रहा है कि अगर पानी के नीचे कोई शहर होगा तो यकीनन द्वारका ही होगी। अब आप समझ जाइए, जिस दिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक भी सबूत हाथ लग गया तो इस बात से प्रूफ हो जाएगा हमारी पृथ्वी पर एक समय में श्री कृष्ण और उनकी नगरी मौजूद थी। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि ये घटनाएं कोई काल्पनिक नहीं बल्कि बनावटी भी नहीं, हालांकि ये सच्चाई है जिसे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये अकेला प्रूफ ऐसा नहीं है जो साबित करता है कि महाभारत काल्पनिक घटना नहीं है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कमाल। आज महाभारत के नाम पर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 4, अश्वत्थामा। क्या आपको पता है ये अश्वत्थामा कौन थे? दोस्तों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा काफी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। कहते हैं अश्वत्थामा के बचपन से ही उनके माथे पर मणि थी। ये मणि थी जिसके कारण कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। दरअसल बात यह है कि आज जब महाभारत को कई साल हो गए हैं, बावजूद इसके उनके देखे जाने की खबर बहुत बार सामने आई है। कुछ लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, वो अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने खुद पृथ्वीराज चौहान को शब्दवैदिक बाण चलाना सिखाया था। यकीन मानिए आज के टाइम में भी हमारे पृथ्वी पर शिवजी का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां खुद अश्वत्थामा आकर शिवजी को फूल अर्पण करते हैं। आप ही बताइए दोस्तों, क्या इतनी सारी चीजें एक बार में झूठ हो सकती हैं? इसके पीछे कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, क्यों? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कॉमेंट बॉक्स में बताना। नंबर 3, अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों, महाभारत की गाथा में कोई शख्स जिससे सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई वो है श्री कृष्ण, और उनके बाद दूसरे हैं अर्जुन। अब भले ही लोग महाभारत पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन लोगों ने इन दोनों कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आपने भी जरूर सुना होगा। खैर, बात अगर अर्जुन के बारे में करें तो आपने उनके चक्र के बारे में जरूर सुना होगा। सुना है ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि आज भी अर्जुन का चक्र मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, ये बात सच है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सोहल सिंगी धार के नीचे बसे राजनौड़ गांव में एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां एक वक्त में पांडव रुके थे। ऐसा माना जाता है ये वही जगह है जहां पर अर्जुन ने चक्रव्यूह बनाने का ज्ञान लिया था। न सिर्फ अर्जुन ने बनाना सीखा था बल्कि उसे पत्थर पर भी बनाया था। पता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है?
दरअसल दोस्तों, पत्थर पर बनाई गई ये रचना आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। स्क्रीन पर अभी आप जो चक्र देख रहे हैं, ये वही चक्र है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। दोस्तों, इस जगह को पीपलू किले के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो एक बार उस जगह पर चले जाइए। आप जब इस चक्रव्यूह को देखेंगे तो आपको अंदर जाने का रास्ता साफ नजर आएगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आपको समझ ही नहीं आएगा। ये बिल्कुल किसी भूल भुलैया जैसा है, आपके दिमाग की घंटी भी बज जाएगी। अब ऐसे में हमें वो लोग जवाब दें जो कहते हैं महाभारत एक काल्पनिक है। अगर महाभारत काल्पनिक है, उसमें लिखी घटना काल्पनिक है, कैरेक्टर काल्पनिक है, तो फिर इस चक्र को आखिर बनाया किसने? और अगर किसी और ने बनाया तो फिर इस बुक में लिखा कैसे? है ना सोचने वाली बात। तो सोचिए और समझ जाइए कि महाभारत काल्पनिक है कि नहीं। नंबर दो, परमाणु बम। वैसे अभी आप यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये परमाणु बम आज इस टॉपिक में कैसे आ गया। चलिए आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, परमाणु बम का इन्वेंशन किसने किया था? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम है ना। इस परमाणु बम का इन्वेंशन किया था जे रॉबर्टसन ने। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जे रॉबर्टसन परमाणु बम बनाने से पहले भारत में आए थे और वो भारत में करीब एक साल तक रहे। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र काफी अच्छे से रिसर्च किया। अब महाभारत में ये किसी परमाणु बम से तो कम था नहीं। खैर, आपको ये जानने के बाद और ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि जे रॉबर्टसन ने महाभारत का असली वर्जन पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीखी। अब आप खुद सोचिए, अगर महाभारत सच नहीं है तो कोई साइंटिस्ट होने के बाद भी इसे पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? बात यही खत्म नहीं होती। जे रॉबर्टसन ने अपने मिशन का नाम रखा था ट्रिनिटीज। ट्रिनिटीज का मतलब अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका मतलब होता है त्रिदेव, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जे रॉबर्टसन ने जब परमाणु बम बना लिया और उसका पहला परीक्षण किया तो उस परीक्षण का नजारा ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि महाभारत में लिखा गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रह्मास्त्र को रामायण में भी दिखाया गया है। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा ये ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के पास था और भगवान राम ने उन्हें इसे इस्तेमाल करने से मना किया था। आप खुद सोचिए, इतनी सारी चीजों का होना काल्पनिक तो नहीं हो सकता। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। नंबर एक, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र। दोस्तों, ये बात तो लगभग हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। बता दे, कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य के उत्तर में स्थित एक जिला है जो अम्बाला, यमुनानगर, कैथल और करनाल से जुड़ा है। यही वो जगह है जहाँ पर कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में योद्धाओं की मौत हुई थी। कहते हैं इतनी सारी मौत को धरती भी नहीं झेल पाई थी, जिसकी वजह से आज भी वहां पर मिट्टी का रंग लाल है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये बात वैज्ञानिक भी कबूल कर चुके हैं कि वहां कई सालों पहले कोई ना कोई युद्ध तो लड़ा ही गया होगा। अब आपको वैज्ञानिकों के बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई पुराने तीर, भाले और तो और तलवार मिले हैं। कहते हैं तलवार, भालों और तीर को उस वक्त कुरुक्षेत्र में चल रही युद्ध में यूज किया गया होगा। अब आप ये मत सोचना कि यूज करने की बात हमने अपने मन से बोल दी। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट को कुरुक्षेत्र से बहुत सारे हथियार मिले तो उन हथियार पर जांच की गई। जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने महाभारत को काल्पनिक करार देने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल कार्बन डेटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि ये हथियार कुछ साल पुराने नहीं है बल्कि 2800 ईस्वी पूर्व के हैं। अब आप यहीं पर समझ लीजिए कि ये उस काल के हथियार है जिस टाइम का जिक्र खुद महाभारत में भी किया गया। वैसे दोस्तों, इतना कुछ जानने और समझने के बाद आपको क्या लगता है, महाभारत कोई काल्पनिक घटना या फिर सच्चाई? हुआ ना दोस्तों परसेप्शन चेंज, हमने तो आपको पहले ही बोला था क्यों। खैर, आपके मन में कौन से इंसिडेंट सबसे ज्यादा खलबली मचाई, हमें कमेंट में बताना। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।